दिस इज द टॉपिक हियर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. यहां पर क्या कही गई है कि द ब्रिटिश पेड नो हीड टू द एजिटेशन फॉर सेल्फ रूल गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री. यानी यहां पर जो पूरे ऑल ओवर कंट्री में, पूरे देश में सेल्फ रूल के लिए यानी स्वराज प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलन की ओर ब्रिटिश ने कोई ध्यान नहीं दिया. ठीक है, दे इंट्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म्स टू अपीज पीपल. जबकि ब्रिटिश ने क्या किया कि और भी लोगों को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने एक नए रिफॉर्म्स को लाया, एक नए सुधार को लाया. और ये कौन सा रिफॉर्म्स था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. बट द रिफॉर्म्स वर इनसिग्निफिकेंट. लेकिन यह जो रिफॉर्म्स था वह पर्याप्त नहीं था, इनसफिशियंट था और इनसिग्निफिकेंट भी था, कोई महत्व वाला नहीं था. द नंबर, अब ये जानना है कि आखिर इस रिफॉर्म से क्या बदलाव लाया गया. तो यहां पर क्या दी गई है कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वॉज इंक्रीज इन लेजिस्लेचर असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो यहां पर क्या हुआ कि लेजिस्लेचर असेंबली में और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मेंबर की संख्या को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, मेंबर की संख्या को बढ़ा दिया गया. बट देयर वाज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर. लेकिन पावर में किसी तरह का चेंजिंग नहीं की गई, यानी इंडियन लीडर्स को कोई पावर नहीं दी गई, नंबर बढ़ा दिया गया उनकी. सबसे बड़ा जो चेंजिंग था, सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वह इस रिफॉर्म में क्या था कि यहां से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद से इसने क्या किया, द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट डायरकी, यानी कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस. तो इसी रिफॉर्म्स के बाद भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, जिसे डायरकी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में से कहते हैं द्वैध शासन, यानी दोहरा शासन, दोहरी शासन. तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, इंट्रोड्यूस किया गया. अब ये जानते हैं हम लोग कि आखिर ये ड्यूअल गवर्नमेंट थी क्या और इसके तहत क्या क्या प्रावधान थे, क्या नियम थे. तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां वह क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, इंपॉर्टेंट जो फील्ड थे, जैसे फिनांस का सेक्टर, पुलिस, ये सब किसके अंडर में हो गए, ये सब हुए गवर्नर के अंडर में रख दिया गया. जबकि भारतीयों को क्या मिला, इंडियन को क्या मिला, तो जो एजुकेशन का एरिया था, हेल्थ का एरिया था, ये इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिया गया. तो इसी को यहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया है, दोहरा शासन नीति कही गई है, है ना. लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो रियल पावर था, वास्तविक जो सत्ता थी, शक्ति थी, वह ब्रिटिश अधिकारियों के अंडर में ही रही, इंडियन के हाथों में नहीं रही. तो यह जो रिफॉर्म हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे भारतीय काफी निराश हुए, डिसअपॉइंटेड हो गए. ठीक है, तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919. तो यहां जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या थी. तो डू यू नो में पहले देख लेंगे, तो डू यू नो में क्या दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई, ब्लैक लॉ कहा गया. क्यों? क्योंकि इसके तहत में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता था वह अपील भी नहीं कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था जैसे कोर्ट में किया जाता है, और न ही अपने बचाव के लिए कोई वकील रख सकता था. तो इसीलिए इसे नो अपील, नो वकील और नो दलील कहा जाता था इस एक्ट को. तो ये था रॉलेट एक्ट. अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नाउ सी हियर, देयर वाज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग इंडियंस एंड प्रोटेस्ट इंक्रीज. तो यहाँ पर हो क्या रहा था, इंडियन काफी परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे और प्रोटेस्ट और विद्रोह भी चल रहा था. विरोध जो चल रहा था भारत में वह चल ही रहा था काफी तेज गति से. तो इस अनरेस्ट को रोकने के लिए, इस सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, रॉलेट एक्ट कानून को बनाया, ताकि वह अपनी कंडीशन को कंसोलिडेट कर सके, यानी सुदृढ़ कर सके, मजबूत कर सके. ठीक है, अब यहां कहा गया है कि रॉलेट एक्ट से ब्रिटिश को क्या मिला. गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट जो कानून बना, इसके तहत अब गवर्नमेंट को, ये पुलिस को ये पावर मिल गई, कब किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, एंड
इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, और बिना ट्रायल के उसे जेल भेजा जा सकता था, यानी बिना बहस किए बिना कोर्ट ले जाए डायरेक्टली उसे जेल भेज दिया जाता था, कैद कर लिया जाता था। और जिसके कारण ये रॉलेट एक्ट के कारण पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए, जुलूस और प्रदर्शन शुरू हो गए, हड़ताल शुरू हो गए पूरे देश में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग में एक नरसंहार हुआ था, बड़ी मात्रा में खून खराबा किया गया था, तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और नाउ लेट्स वी सी, यहाँ पर कही गई है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के पास गोल्डन टेम्पल है, और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास में ही एक बाग है जिसका नाम क्या है, जलियांवाला बाग। तो इसी जलियांवाला बाग में ही बैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, गैदर हुए थे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे दो पर्पज से इकट्ठे हुए थे। फर्स्ट क्या था, पहला था कि चूंकि बैसाखी का फेस्टिवल था, तो बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर लोग कहाँ पर, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। और कुछ लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, चूंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो फेमस लीडर्स थे, प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनके गिरफ्तारी के खिलाफ में इनके विरोध, गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, शांति पूर्वक वे लोग धरना दे रहे थे, वहां इकट्ठे हुए थे, बैठक कर रहे थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण बैठक में, इस शांतिपूर्ण विरोध जो हो रहा था वहां पर, जो लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, उन पर क्या किया गया कि जनरल डायर ने ब्रिटिश फौज को, ब्रिटिश आर्म फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि उन पर गोली चला दें। और क्या हुआ इसके बाद, ब्रिटिश आर्म फोर्सेस ने उन इनोसेंट लोगों पर, उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कुछ पुरुष भी थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, सभी थे वहां पर। और इस गोलीकांड में सैकड़ों की संख्या में उनकी मृत्यु हो गई, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। यह घटना बहुत ही शर्मनाक घटना थी, द मैसेकर स्टर्न द होल कंट्री। और यह जो घटना घटी, इस घटना से पूरे देश के लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, पूरे देश के लोगों को चौंका दिया इस घटना ने। नाउ इसके बाद क्या हुआ, और इस घटना के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, एंड देन अंडर मार्शल लॉ पीपल वर टॉर्चर्ड। जब मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसके बाद वहां पर लोगों को टॉर्चर्ड किया गया, परेशान किया गया। नेक्स्ट में न्यूज़पेपर जो थे, तो न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, एंड मेल्स वर सेंसर्ड, और मेल भेजना भी सेंसर कर दिया गया। सेंसर मीन्स बिना गवर्नमेंट के अनुमति के मेल नहीं भेजा जा सकता था बिना चेकआउट किए, तो मेल भेजना भी सेंसर कर दिया गया। लोगों को टॉर्चर किया गया और बैन कर दिया गया, किसे, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया। तो ये घटनाएं घटी। तो इस टॉपिक में यही तो डिस्कस हमें करना है हम लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग डू यू नो भी देख लेते हैं। तो डू यू नो में किसके बारे में दी गई है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में दी गई है कि आखिर खिलाफत मूवमेंट थी क्या। तो यहाँ पर बताया गया है कि खिलाफत मूवमेंट को किसने शुरू किया इंडिया में, अली ब्रदर्स ने। ये अली ब्रदर्स कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, चलाया। और यह खिलाफत मूवमेंट बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये एक हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया। अब इसमें बताया गया है, हमें जानना है कि आखिर ये खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू की गई थी। चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो टर्की था, वह टर्की हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और टर्की में ही एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। वहां पर जब टर्की में शुरुआत हुई खिलाफत मूवमेंट की, वहां के खलीफा को बचाने के लिए, तो यहां पर भी मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया ताकि खलीफा की रक्षा की जा सके। खलीफा जो कि एक स्पिरिचुअल मुस्लिम, इस्लाम का स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है, स्पिरिचुअल टीचर माना जाता है, तो इसकी ताकत को और इसकी रक्षा करने के लिए टर्की में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई। और इसी को देख करके
इंडिया में भी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसमें महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यह एक हिस्सा बन गया। तो यह टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22। तो लेट्स सी हियर, यहाँ देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे गांधी जी का क्या मकसद था, क्या उन्होंने अपने आइडिया दिया कि आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया जाए, इसके पीछे कारण क्या था, कौन सी आइडिया काम कर रही थी, वर्क कर रही थी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश रूल तभी तक इस्टाब्लिश कर सकती है, तभी तक हमारे देश में सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है, जब तक इंडिया के लोग उनका साथ देते रहेंगे। और जिस दिन इंडियन पीपल ने, इंडियन लोगों ने ब्रिटिश का साथ देना बंद कर दिया, तो उसी दिन से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश का शासन यहां से समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा। ये गांधी जी का विचार था और इसी आइडिया के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ, इसी विचार के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने की तैयारी महात्मा गांधी करने लगे। नेक्स्ट, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। तो गांधी जी ने कहा यदि हम रिफ्यूज कर दें, ब्रिटिश को साथ देने से मना कर दें, ब्रिटिश को कोऑपरेट करने से मना कर दें हर क्षेत्र में, तो क्या होगा, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स, तो ब्रिटिश शासन यहां से धाराशायी हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी और स्वराज हमारे देश में आएगा, स्वराज आएगा। तो यह विचार गांधी जी का था। नाउ सी द नेक्स्ट, तो यहां पर क्या कही गई है कि दिसंबर 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसी सेशन में महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन का जो प्लान था उस प्लान को पास किया गया और यह डिसीजन लिया गया कि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना है किसी भी वर्क में। एंड नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट, तो अब इस ब्रिटिश के इनजस्टिस यानी ब्रिटिश के अन्याय के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया गया, खासकर स्पेशली जो पंजाब में हुआ था और जो टर्की में किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा परेशान किया गया था, पंजाब में जो घटनाएं घटी थी, अमृतसर में घटनाएं घटी थी, तो इन सब को लेकर के ब्रिटिश से लोग काफी खफा थे और उसके इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया गया। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट, तो यहां पर नेक्स्ट में कही गई है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए यहां पर, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किन चीजों के साथ स्टार्ट की गई, कौन कौन से प्रोग्राम को सपोर्ट किया गया, इसके बारे में यहां पर कही गई है। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट वन, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, उसके बारे में दी गई है। तो रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश, तो सबसे पहले किन चीजों का बहिष्कार करना है, टाइटल्स का, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे इंडियन लीडर्स को जो उपाधियां दी थी, टाइटल्स दिए थे, उन टाइटल्स को उन्हें वापस करना है। तो यहां से बहिष्कार की नीति को शुरू करनी है, यहां से नॉन कोऑपरेशन शुरू करना है। नेक्स्ट क्या था, तो लेजिस्लेचर को बायकॉट करना है, लेजिस्लेचर का बहिष्कार करना है। दूसरी ओर टीचर्स और स्टूडेंट्स को, स्कूल का बहिष्कार करना है, कॉलेजेस का बहिष्कार करना है। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़, तो जामिया मिलिया कॉलेज, इसकी स्थापना की गई स्कूल की, एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस, बनारस में काशी विद्यापीठ स्टार्ट की गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यह भी नॉन कोऑपरेशन का भी का ही हिस्सा था। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कोर्ट्स, दूसरी ओर गवर्नमेंट जो ऑफिसेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस है, कोर्ट है, इनका भी बहिष्कार करना है। जो विदेशी वस्तुएं थी, फॉरेन गुड्स थे, उसको उसकी होली जलानी है, यानी उसे उसको आग लगाना है और आग लगाकर उसका विरोध करना है, बहिष्कार करना है, यह दिखाना है कि हमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है, उसका हम बहिष्कार करेंगे। तो ये प्रोग्राम्स थे। और लास्ट वन दी गई है हड़ताल एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे देश में हड़ताल करना है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई। एंड नाउ सी द नेक्स्ट, तो यहां पर कही गई है कि 1919 के बाद जो ब्रिटिश के खिलाफ में जो स्ट्रगल शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, वह एक
मास मूवमेंट का रूप ले लिया, जन आंदोलन का इसने एक रूप लिया, जिसमें कि किस कौन इन्वॉल्व हो गए, विच इन्वॉल्व पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, वुमेन, यानी जन आंदोलन का रूप लिया और समाज के लगभग सभी वर्गों ने भाग लेना शुरू किया, ब्रिटिश के खिलाफ जुलूस निकालने लगे, ब्रिटिश के खिलाफ पार्टिसिपेट करने लगे, जैसे किसानों ने पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल भी पार्टिसिपेट किए, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, ये सारे लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने लगे और आंदोलन में शामिल हो गए, और इसी कारण इसे क्या कहा गया है, मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन। नाउ सी द नेक्स्ट, इसके साथ ही क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता थी, यूनिटी थी, वह भी ताकतवर हो गई, वह भी बढ़ी, दोनों एक हुए। व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, पीपल होल हार्टेडली पार्टिसिपेटेड इन इट। तो जब नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत हुई, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, शामिल हुए। अब नेक्स्ट में कही गई है कि आखिर इन आंदोलन का जवाब, रिटेलिएट कैसे हुआ, ब्रिटिश ने इसका जवाब किस प्रकार से दिया, क्या किया। तो द ब्रिटिशर्स रिटेलिएटेड बाय इम्प्रिजनिंग ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एक्सेप्ट गांधी जी, यानी कि गांधी जी को छोड़कर जितने सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, उन लीडर्स को ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कैद में डाल दिया। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहाँ पर ओवर होती है, फिनिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक है चौरी चौरा। तो एक चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है जहां के बारे में दी गई है। यहाँ एक इंसिडेंट हुई थी, एक घटना घटी थी जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस की गई है। नाउ सी, तो 1922 द पुलिस फायर्ड अपॉन अ ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक प्लेस में क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, फायर शुरू कर दिया। इसमें हुआ क्या, तो ये जो गुस्साए लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, जब इन पर गोलियां चलाई गई तो इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, जिसमें कि 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए। गांधी जी इस घटना से बहुत ही शॉक हो गए, बहुत ही चकित हो गए, और इसके कारण क्या हुआ, ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस हिंसा के कारण, इस घटना के कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि तो गांधी जी को लगा कि जो हमने अहिंसा की नीति का पालन करने के लिए कहा, वह अहिंसा अब छोड़ दिया जा रहा है, अहिंसा का लोग पालन नहीं कर रहे और हिंसा फैल रही है, तो इसी के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का डिसीजन गांधी जी ने लिया। तो जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ डिफरेंट लीडर्स के में, तो डिफरेंट लीडर में क्या हुआ, तो यहाँ पर कुछ लीडर्स ने गांधी जी के डिसीजन का स्वागत किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेता ने, इन लोगों ने इसका विरोध किया, आपत्ति जताई कि एक छोटी सी घटना कारण, एक इंसिडेंट के कारण ही पूरे आंदोलन को बंद करना, ये कहीं से भी उचित नहीं था। और इसके बाद मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बंद हो गई, तो अब आगे की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर काम चलने लगा। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने क्या बनाया, स्वराज पार्टी बनाई। किस लिए बनाई, तो उनका मानना था कि अब इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना है और जीत कर वहां जाना है, असेंबली जानी, काउंसिल जानी है, और वहां इनसाइड में होकर, वहां काउंसिल में रहकर ही ब्रिटिश का हमें विरोध करना है। एंड नाउ इसके बाद क्या हुआ कि जब नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी अकेले पड़ गए और ब्रिटिश ने देखा कि अब जो लीडर्स थे, वो लीडर्स का व्यू, उनका विचार अलग हो गया, और कुछ लीडर ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करना बंद कर दिया, गांधी जी का सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इससे गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई, अकेले पड़ गए, और इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। एंड नाउ अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में दी गई, आखिर इसका समाधान क्या हुआ, क्या कंडीशन रही। तो यहाँ पर कही गई कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, ये प्री मेच्योरली, यानी पूरा ये काम हुआ भी नहीं, लेकिन यह सक्सेसफुल कहां रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने लोगों को एक नेशनल कैरेक्टर देने का प्रयास किया, नेशनल कैरेक्टर का बल मिला,
लोग अब एकजुट होने होना सीख गए और इस भावना लोगों के मन में आई कि हमें फ्रीडम के लिए, हमें स्ट्रगल के लिए पूरी एकजुटता के साथ काम करना होगा। पूरे देश के लोगों तक यह संदेश गया कि हमें सब मिलजुल कर ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ाई करनी है, मूवमेंट चलाना है, स्ट्रगल करना है। इसके साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी का अधिकतर समय किसमें लगा, किस तरफ काम करने लगे, तो उन्होंने खादी का प्रचार करना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने का काम करना शुरू किया, और जो छुआछूत की भावना थी, अनटचेबिलिटी थी, उस अनटचेबिलिटी को इरिडिकेट करने का प्रयास करने में लग गए, उसे समाप्त करने का प्रयास में लग गए। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद से शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड होती है। द टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट। तो यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओनली टू इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन हियर। फर्स्ट वन दैट कि पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे, यानी किसान और जो मजदूर थे, वे लोग ब्रिटिश के शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से काफी नाराज थे, काफी परेशान थे, और ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के कारण और हाई टैक्सेस के कारण लोग परेशान थे, किसान और मजदूर। और इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर, इन्हीं दो चीजों को लेकर, किसे एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ में और हाई टैक्सेस के खिलाफ में, किसान और मजदूर एक साथ हुए और दोनों ग्रुप ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि गुजरात में एक प्लेस है जिसका नाम है बारदोली, यहाँ पर भी किसान आंदोलन हुए थे। तो ये बारदोली में किसानों का जो आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में यहाँ पर किसान और मजदूर का आंदोलन किया गया था, इसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इस टॉपिक में बस दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज साइमन कमीशन। तो यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस की गई है, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो इस साइमन कमीशन टॉपिक में यह बताया गया है कि आखिर साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था। यहाँ पर दो कॉजेज है, टू कॉजेज थे। फर्स्ट क्या है, टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में बनी थी, यह जो कानून बनी थी, इसकी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन। तो रिव्यू करने के लिए, यानी कि देखने के लिए, इस पर विचार करने के लिए कि क्या कंडीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। और सेकेंड कारण क्या था, टू स्टार्ट रिफॉर्म्स टू अपीज इंडियंस, यानी कि भारत में कुछ सुधार करनी है, जो आंदोलन लगातार चले आ रहे हैं, जो परेशानियां वहां पर हो रही भारत में, ब्रिटिश के खिलाफ में लोग जो आवाज उठा रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, तो आखिर अब इंडियन को भी कुछ खुश करना होगा, उनको भी अपीस करना होगा। तो कैसे अपीस किया जाए, कैसे इंडियन को खुश किया जाए, क्या सुधार किया जाए, तो इन्हीं सुधार को करने के लिए, ताकि भारतीय खुश रहे, भारतीय को संतुष्ट करे, इन दो कॉज के लिए, इन दो कारण के लिए साइमन कमीशन इंडिया में भेजा गया। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए इनके स्वागत में, और साइमन गो बैक के नारों से पूरा क्षेत्र, पूरा एरिया गूंज उठा, साइमन गो बैक कर और ब्लैक फ्लैग को शो करके दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो अब ये सवाल उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर साइमन कमीशन का इतना विरोध क्यों हुआ, इसके पीछे कॉज क्या था। इसके पीछे कॉज ये था कि जो साइमन कमीशन जो गठित की गई थी, बनाई गई थी, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इंडियन लोग यानी भारतीय लोग, भारतीय नेता, एक भी भारतीय लीडर इसमें शामिल नहीं थे, इस कमिटी में शामिल नहीं थे। तो कांग्रेस का कहना था, यहाँ के नेताओं का कहना था, यदि आप एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं, तो हमारी समस्याओं को बताएगा कौन, हमारे प्रॉब्लम्स को बताएगा कौन, कौन जानता है हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से, हमारे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हमारे इंडियन ही जानते हैं, मैं जानता हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ के नेता जानते हैं। लेकिन जब आपके कमिटी में हमारे ही लोग नहीं है, भारत के लोग ही नहीं है, तो ये दिखावा क्यों, आखिर वो आपको ये समस्या बताएगा कौन। इसका मतलब कि साइमन कमीशन एक दिखावा है, केवल एक छलावा है, एक धोखा है,
और इसी कारण साइमन कमीशन का जोरदार विरोध यहाँ पर आने पर हुआ, भारतीय नेताओं ने किया। एक यहाँ पर घटना के बारे में बताई गई है कि साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय भी लीडरशिप में थे, नेतृत्व कर रहे थे, और लाला लाजपत राय को लाठियों की चोट पड़ी जिसके कारण कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी गई। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन मीन्स कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, जैसे हर साल बैठक होती है कांग्रेस की, तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो सेशन हुआ था, वह कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। और यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लाहौर कौन से नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी किनारे यहाँ पर लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस सेशन की स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है? यहाँ इसकी विशेषता यह है, इस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखी गई थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा इसी सेशन में दिया गया था। इस सेशन में यह डिसाइड किया गया कि अब कांग्रेस की जो लड़ाई होगी, अब ब्रिटिश के खिलाफ हमारी जो लड़ाई होगी, वह कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए अब हमारी लड़ाई होगी। तो यह इम्पोर्टेंट डिसीजन इसी लाहौर सेशन में लिया गया, और इसीलिए लाहौर सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में वेरी ऑफन इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट। इसके बाद इस सेशन में एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन ली गई कि 26 जनवरी का जो दिन होगा, 26 जनवरी का जो डे होगा, इस दिन हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे हम सेलिब्रेट करेंगे, और यह हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे होगा। और यह जो डे सेलिब्रेट किया गया, इसी को मेमोराइज करने के लिए, इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो चुका था, कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया, लागू कब किया गया था? ऑलरेडी वी नो, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये इम्प्लीमेंट करने का कारण क्या था 26 जनवरी? क्योंकि यह जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, इसी डेट को एक यादगार डेट बनाने के लिए ही जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का तैयार हुआ, तो इसी डेट को इसे भी रखा गया, 26 जनवरी को ही डिसाइड किया गया कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसी डेट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि यह जो है 26 जनवरी 1929 का जो था, इसी को यादगार बनाने के लिए। तो यहाँ पर लाहौर सेशन का जो टॉपिक है एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 164 से, एंड टॉपिक होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो 100% जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। योर कमेंट विल बी मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।